एक बार फिर से वेट प्लस एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हम कृषि और पशुपालन की दुनिया में आकर्षक विषयों का पता लगाते हैं। आज हम मवेशियों और भैंसों के हाइपरथर्मिया की दिलचस्प घटना के बारे में बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इन जानवरों पर अत्यधिक गर्मी के प्रभाव की गहराई से जाँच करने में इससे चूकना नहीं चाहेंगे और वीडियो को पूरा सुनेंगे। हाइपरथर्मिया क्या है? हाइपरथर्मिया एक ऐसी स्थिति है जहां पशु के शरीर का तापमान सामान्य स्तर से काफी ऊपर बढ़ जाता है, जिससे प्रभावित पशु के लिए संभावित खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। मवेशियों और भैंसों में हाइपरथर्मिया के कारण क्या क्या है? यह मुख्य रूप से उच्च तापमान, आर्द्रता और छाया व उचित वेंटिलेशन की कमी जैसे पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न होता है। जब मवेशी और भैंस अपने शरीर के तापमान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं, तो उनके गर्मी के तनाव और अतिताप के प्रभाव के शिकार होने का खतरा रहता है। हाइपरथर्मिया के लक्षण क्या है? आइए अब उन संकेतों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि मवेशी या भैंस हाइपरथर्मिया का शिकार है या अनुभव कर रहे हैं। जैसे भारी हांफना, अत्यधिक पसीना आना, लाल टपकना, सुस्ती और तेज हृदय गति, ये सब इनके लक्षण हैं। जानवरों के लिए आगे की जटिलताओं को रोकने के लिए इन लक्षणों को संबोधित करने में सतर्क और सचेत रहना महत्वपूर्ण है। पशुधन स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है? पशुधन स्वास्थ्य पर अतिताप के प्रभावों को बड़ा चढ़ा कर नहीं बताया जा सकता। इसे निर्जलीकरण, हीट स्ट्रोक, भोजन का सेवन कम हो सकता है और गंभीर मामलों में मृत्यु भी उनकी हो सकती है। यह परिणाम मौसम की स्थिति के, मवेशियों और भैंसों की भलाई की सुरक्षा के लिए प्रभावी शीतलन रणनीतियां, प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। रोकथाम एवं उपचार की जानकारी के बारे में बताएंगे। हम मवेशियों और भैंसों में अतिताप के जोखिम को कैसे कम कर सकते हैं? एक प्रमुख दृष्टिकोण जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए ताजे साफ पानी, छायादार क्षेत्रों पर पर्याप्त इनकी पहुँच प्रदान करें। हम मवेशियों और भैंसों के अतिताप जोखिम कैसे कम से कर सकते हैं, इनके बारे में जो जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसी व्यवस्था करें। अब और अधिक हीट स्ट्रोक के बारे में, हाइपरथर्मिया के बारे में और अधिक हमें जानना है तो हम आगे डिटेल से जानेंगे। अगर टेम्परेचर 108 से ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले उसकी बॉडी पर नॉर्मल वाटर डालना ज़रूरी है। पानी जो है आप गर्दन के ऊपर या उसके नीचे लोअर एब्डोमिनल में डालेंगे तो जल्दी हीट प्रोडक्ट डिस्पेट होगा। इन जगहों से यहाँ ब्लड सप्लाई भी ज़्यादा रहता है, तो लगातार नॉर्मल वाटर डालते रहिए, फिर धीरे धीरे इसका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो सकता है। अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो कोल्ड वाटर एनिमा भी आप इसे दे सकते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको रेक्टम में कोल्ड वाटर डालना चाहिए। अगर एनिमल शॉक की कंडीशन में है और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो यह हीट स्ट्रोक का सीवियर वाला सिम्टम्स भी है, मिर्गी आना भी इसमें शामिल है। ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो ब्रेन का सफिशियंट अमाउंट, जो ब्रेन को सफिशियंट अमाउंट में उपलब्ध नहीं रहता है तो ब्रेन में एडिमा होता है और जो एनिमल है वो शॉक में हो जाता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। अगर एनिमल है जो शॉक की कंडीशन में है और बहुत ज़्यादा शॉक की कंडीशन में है तो इस समय में आपको फ्लूड थेरेपी देना होता है। फ्लूड थेरेपी में आपको नॉर्मल सेलाइन लगाना चाहिए। नॉर्मल सेलाइन का जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर रखना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में वैसे ही फ्लूड है वो हॉट रहता है, इसलिए उनको बॉडी टेम्परेचर पे लाना ज़रूरी है। अगर फ्लूड को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर आईवी चढ़ाते हैं तो बॉडी को टेम्परेचर ज़रूर डिस्फ्रेट होता है और यूरिन भी बार बार करने लगती है। एक चीज़, अगर एनिमल खड़ा है तो सबसे ज़्यादा नॉर्मल वाटर दे और बाहर के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जैसे बाहरी एनवायरनमेंट छाया में पशु को रखे, स्प्रिंकलर या कूलर की व्यवस्था करें कि भी आप इसकी बाहरी टेम्परेचर को डिस्प्रेट कर सकते हैं। अगर जानवर का
पानी पीना आप बनाना चाहते हैं तो आप जानवर को ओरली इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं। ओरली इलेक्ट्रोलाइट मार्केट में मेडिकल्स पे बहुत मिलते हैं, अवेलेबल है सब जगह। इसका 30 ग्राम आप 2 लीटर पानी में घोल कर सुबह शाम दे सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट मिसबैलेंस नॉर्मल हो जाता है, साथ ही साथ जानवर की प्यास है जो बढ़ जाती है और पानी ज़्यादा पीता रहता है। ज़्यादा अगर पानी पिएगा तो वो अपने आप को हाइड्रेट रखेगा और हीट जो है वो अपने आप डिसिपेट करने में मदद होगी। बार बार यूरिन करेगा, बॉडी से हीट रहे जो कम होगा, फिर जो पशु है वो नॉर्मल साइड में आने लगेगा। मेडिसिन की अगर बात की जाए तो आप यहाँ आयोडीन का, आईफ्रेज का जो इंजेक्शन आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर रिसर्च है, आयोडीन मार्केट में आता है। इसमें ऑयली प्रिपरेशन जैसे विटामिन ई के साथ में जो आईफ्रेज आता है वेट केयर का, केयर वेट का, वो 750 mg इसका सिंगल शॉट है, 5 ml में रहता है। आप ब्रिस्किट में ऐसी रूट में हर 24 घंटे के अंतराल पर आप 3 शॉट इनके लगा सकते हो। तो ऐसा माना जाता है कि आयोडीन टॉक्सिसिटी होती है और आयोडीन का लेवल बॉडी में ज़्यादा होता है। इनडायरेक्टली एक तरह से ये थायराइड हार्मोन को रिलीज कर थायराइड हार्मोन का रिलीज को कम कर देता है। यानी कि आयोडीन जब बढ़ता है तो उसकी टॉक्सिसिटी के चलते TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी से आता है, इसका सिक्रेशन कम हो जाता है और अल्टीमेटली थायराइड के ग्लैंड की एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम बनने लगता है। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन जब कम बनेगा तो BMR कम हो जाता है, यानी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट मेटाबॉलिज्म रेट यानी कि बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट वो भी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली फिर हीट का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो एक तरह से आयोडीन टॉक्सिसिटी करवा कर BMR को कम किया जा सकता है, ये कंसेप्ट है। आप चाहे तो, और अगर थायरोक्सिन लिवोथायरोक्सिन जो आदमी के लिए आते हैं, इन इन टेबलेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सेम मैकेनिज्म है पर काम करता है अगर आप थायरोक्सिन खिलाते हैं तो। डेफिनेटली TSH हार्मोन का रिलीज कम होगा और तो थायराइड एक्टिविटी है वो कम होगी, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट है वो कम रहेगा। तो इस तरह से ये रूमन में जाकर तो कितना काम करता है ये कह नहीं सकते, लेकिन मुमकिन है ये भी। अगर एनिमल लेटरल या इंडिपेंडेंसी सिचुएशन में चला गया है तो ये ब्रेन के डैमेज के चलते ऐसा होता है, वहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। ब्रेन को एनर्जी सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है उस समय, वहाँ ओरल सप्लीमेंट आप प्रोपोनिक ग्लाइकोल आते हैं इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही न्यूरोटॉनिक्स भी आप इसे दे सकते हैं, जिससे एनिमल धीरे धीरे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स से उबर जाता है और फिर वह नॉर्मल कंडीशन में आने लग जाता है। इस प्रकार नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल वेट प्लस एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।